वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अटेसिक्स में, और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों LIC की तरफ से। जी हाँ, LIC की वैकेंसी 2020 का ये वैकेंसी है और करीब 218 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं आप लोग। जी हाँ, पहले एलिजिबिलिटी जान लीजिए, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आवेदन भी कीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक की आपसे इच्छा रखते हैं वो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या रखी गई है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए सबसे पहले, और दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे AAO के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, 21 साल मिनिमम एज रखा गया है और 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। तो अगर आप इसके बीच में फॉलो करते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC या PWD या PWD SC ST ST में अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको एज को लेकर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं वो देखिए, अगर वो उन्होंने अपने डिग्री सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर आर्किटेक्ट में, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर MEP इंजीनियरिंग में, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोर्स कर रखे हैं, या फिर उन्होंने एक्चुरियल, जी हाँ, अगर AAO बनना है तो एक्चुरियल में उनका पोस्ट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। वो कौन से डिग्री होनी चाहिए यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप अगर इन सभी चीज़ों में अगर आपने लॉ भी किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं AAO के लिए। तो ये क्राइटेरिया है। अब मैं आपको क्राइटेरिया बता देना चाहता हूँ कि सिविल में जिन छात्रों ने यहाँ पे AICT अप्रूवल, यानी कि आपका कॉलेज होना चाहिए जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है, ठीक है, और इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है आपका सिविल इंजीनियर का होना चाहिए। इसमें कोई यहाँ पे बोला नहीं गया कि कितने परसेंट पास होने चाहिए, बस आपका डिग्री होना चाहिए, पास आउट का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए। जो छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से किए हैं इंजीनियरिंग वो भी आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे AICT अप्रूवल उनका भी डिग्री होना चाहिए, और मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड द एग्जॉशन ऑफ द मल्टी स्टोरेड। जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे एक्सपीरियंस है 3 साल का, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आर्किटेक्ट के लिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, तो यहाँ भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, BE इन आर्किटेक्ट के रिगार्डिंग, जो भी आर्किटेक्ट का आपने काम किया हो, और ऑटो कैड पे आपको काम करने आना चाहिए, सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। अगला है दोस्तों कि स्ट्रक्चरल AE के लिए पोस्ट है, जो उसमें मास्टर इन स्ट्रक्चरल जो भी स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं, यानी कि MEजिसने किया है स्ट्रक्चरल में और AICT अप्रूव उनका डिग्री है, तो आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। अगर जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोस्ट को लेकर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आगे देखेंगे, सारी डिटेल बताऊँगा इसके बारे में, पहले आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अगर आपने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आवेदन करना है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपने इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और शुड हैव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लानिंग इन द एग्जॉशन ऑफ प्लम्बिंग एंड पाइपिंग कंपनीज। यानी कि आपको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे AAO पोस्ट के लिए, तो अगर आप CA हैं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका, और एसोसिएट मेंबर होने हैं अगर कहीं पे आप, देन आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा AAO पोस्ट के लिए। फिर एक पोस्ट है दोस्तों एक्चुरियल पोस्ट, जी हाँ, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है आपसे डिसिप्लिन किसी भी सेक्टर से, और अगर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक्चुरियल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है, कैंडिडेट शुड हैव द कंपल्सरी पास्ड इन 6 or more पेपर द एग्जामिनेशन ऑफ कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल्स ऑफ इंडिया। जो ये जो आपका संस्था है इसके जरिए आपने 6 पेपर क्लियर कर रखे हैं, इसके तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों लीगल के लिए, लीगल यानी कि लॉ के लिए। अगर आपने LLM किया है, LLB मत सोचिएगा, LLM है ये,
तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और 3 ईयर बार एक्सपीरियंस होने चाहिए एसेंशियल आपके पास, ठीक है। उसके अलावा दो जो भी कैंडिडेट राज्यसभा से अपना डिग्री किया है, ग्रेजुएट किया है, मास्टर डिग्री किया है उन्होंने हिंदी में, तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या आईटी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या एमसीए कर रखा है या एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट है आपके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इन सभी में एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएँ तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों लेकर चलते हैं फिर से आपको उस नोटिफिकेशन पर जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पब्लिश की गई है। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये सारा डिटेल है यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर, जो कि वैकेंसी निकल गई है दोस्तों सेंट्रल ऑफिस योगा सीमा से, मुंबई से ये वैकेंसी आई हुई है। आपको बता देना चाहते हैं कि टोटल असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 50 है, ठीक है। आप सभी के सभी जो हैं कैटेगरी वाइज में यहाँ पे सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। टोटल 50 वैकेंसीज का यहाँ पे सिनारियो है। और टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें यहाँ पे AAO के लिए, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफिसर्स, यहाँ पे 168 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 218 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे आईटी के लिए, जो मैंने लास्ट में बताया जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वहाँ पे आपको 50 वैकेंसी इसको अलग से दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी से हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन बाकी सब में तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारा डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने सारा डिटेल यहाँ से आपको दे दिया है। इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि कब से फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भर सकते हैं आप लोग दोस्तों 25 फरवरी से, यानी कि आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 15 मार्च तक आखिरी डेट है दोस्तों आवेदन करने का, इसलिए 15 मार्च से पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। और आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए 27 मार्च को ही, और 4 अप्रैल तक अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को ही है, तो बहुत ही जल्दी इसका परीक्षा लिया जा रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही बहुत जल्दी है और शॉर्ट रिक्रूटमेंट भी निकाली गई है इनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथोराइज्ड LIC वेबसाइट www.lic.india.in.in। तो इस वेबसाइट पर हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट दिए गए हैं, इसी डेट के बीच में आपका परीक्षा भी हो जाना है 4 अप्रैल तक, तो बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास इसके एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। एज क्राइटेरिया की मैंने बात बता दी है कि 21 से 30 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी जितने भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को लेकर बातें की गई, मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है, या आप भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे एक ही इंपॉर्टेंट ऐसा वैकेंसी है जिसके लिए कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, जो कि पोस्ट है आईटी के लिए, ग्रेजुएट है डिग्री इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस से, आईटी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप लोग सीधा आवेदन कीजिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एमसीए और एमएससी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं बिना किसी यहाँ पे एक्सपीरियंस की, बाकी सारे में एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मांगा गया है। और कुछ यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं आपकी वो हाई लेवल एजुकेशन को लेकर भी है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर ये कोर्स किया है तो यहाँ पे आवेदन ज़रूर करेंगे। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 57,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है यहाँ पे, 57,000 की, और बाकी कोई भी आपका जो 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा जॉब करते समय। फिर भी मैं सारी डिटेल तो आपको अप टू डेट कर ही दिया। यहाँ पे फॉर्म फीस जो है आपसे लिया जाएगा 700 रुपये प्लस GST चार्ज काट के ये, और जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं उनसे 85 रुपये। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम से फेज 1 के एग्ज़ाम से पहले गुजरना होगा आपको, जिसमें कि आपको देख सकते हैं 3 आपके स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, एक रीजनिंग का, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश का, और एक क्वांट का। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क आपको 70 होंगे, और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उसके बाद फेज 2 होगा मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में आपको 4 पेपर से गुजरना होगा, रीजनिंग, GK GA, और यहाँ पे 3rd में जो कि आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप IT से हैं तो IT से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं सिविल में तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 90 नंबर का मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ये। और लास्ट में इंश्योरेंस सेक्टर का एक पेपर होगा जो कि 60 नंबर का होगा। तो ये टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली
पांचवा सेक्शन भी है यहाँ पे, ये इंग्लिश ऐसे राइटिंग है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो ये टोटल मिला के आपका ये टोटल पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 120 नंबर का होगा, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 300 मार्क्स का 120 क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन से आपको दो घंटे का पेपर देना होगा, और ये पेपर जो है आपका 30 मिनट का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, पांचवा सेक्शन जो है। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, आप LIC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करीब वाले पेज पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है आपको टेलीग्राम पे, आप एजुकेशन के एडेसिक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा दोस्तों। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास करेंगे फाइनली, है ना, उनका एक इंटरव्यू सेक्शन रखा जाएगा, और आपको इंटरव्यू भी यहाँ पे क्रॉस करना होगा, क्योंकि फेज थर्ड है आपका इंटरव्यू वाला। तो इंटरव्यू देना होगा आपको दोस्तों, उसका भी मार्क्स काउंट होगा, और फाइनली आपका रिजल्ट बनेगा कब, जब आपका मेडिकल चेकअप हो जाएगा, और आपका जो सर्टिफिकेट है यानी कि OBC SC ST वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। सारे प्रोसेस से आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा सर एक एग्ज़ाम को, तो इसलिए कोई भी धांधली करने की ज़रूरत मत कीजिएगा, किसी को यहाँ पे एग्ज़ाम दिलवाने की कोशिश मत कीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, 25 तारीख से लेकर 5 अब मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भी छात्र हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपना रख लीजिएगा, अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी रख लीजिएगा, वो अपलोड होगा वहाँ पे, और आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए समय मांगा जाएगा वो सारी चीज़ें अभी आपको फिलआउट कराई जाएंगी। यहाँ पे फॉर्म भरते समय आराम से फॉर्म भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती ज़्यादा मत कीजिएगा। पेमेंट जो है आप अपना फीस का ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जाके ऑनलाइन आवेदन जब कीजिएगा तो वहाँ से पेमेंट भी कर सकेंगे। ऑफलाइन का भी सिनारियो है, आप जाके बैंक से चालान वगैरह भी भर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सिग्नेचर का साइज वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, और रिटेन जो भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे ले लिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर आपसे चेकिंग अगर हो तो आपसे चेकिंग करा सकें लोग। हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भी देना है यहाँ पे, ये देखिएगा, आपको ये लिख कर उसका फ़ोटो खींच के फिर इसको अपलोड करना होगा आपको, ठीक है, स्कैन करके। और ये सारी डिटेल है दोस्तों, फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये टोटल 15 पेज है, जो कि मैंने आपको सारा डिटेल तो यहाँ पे ऑफिशियली दे दिया है। कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया था, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप लोग आके यहाँ पे सारी डिटेल पूछ सकते हैं हमसे आके, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।